नमस्कार दोस्तों, सत्य उदय मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एवी डिविलियर्स का काफी ज्यादा चर्चा में मुद्दा रहता है हमेशा ही। आज हम आपको उन्हीं का एक मुद्दा बताने वाले हैं जो कि आईपीएल से रिलेटेड है और 2015 के विश्व कप में, यानी कि जो आईपीएल का हुआ था उसमें उनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एवी डिविलियर्स ने खुलासा किया है कि 2015 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली गई पारी में पहले वो बुखार में थे और जब मैदान पर उतरे थे तो उनसे पहले वो पैवेलियन में सो रहे थे। एवी डिविलियर्स ने जियो सिनेमा के एक कार्यक्रम में इस बात का खुलासा किया। बता दें कि डिविलियर्स ने जिस पारी का जिक्र किया है उन्होंने उसमें 66 गेंदों में 162 रन की बात की है। और आपको मैं एक बात ही बता दूं, ये जो क्रिकेटर है इन्होंने मुंबई इंडियंस की होश उड़ा दिए थे। मिस्टर 360 के नाम से मशहूर डिविलियर्स ने 2015 की उस ऐतिहासिक पारी को याद करते हुए बताया कि उन्होंने तपते हुए बदन के साथ मैदान पे बल्लेबाजी की थी, जो कि काफी ज्यादा फेमस है और ये इनके नाम है आईपीएल की सबसे अच्छी बात। डिविलियर्स ने बताया कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली गई वो पारी मेरे कैरियर की सबसे पसंदीदा पारियों में से एक है, क्योंकि उनकी उस पारी का इतिहास आज तक कायम है। उन्होंने उस पारी में अब तक का सबसे तेज शतक चढ़ा था। एवी डिविलियर्स ने अपने ऐतिहासिक पारी को याद करते हुए कहा कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड 2015 विश्व कप वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारा मैच था और मैं बहुत घबराया हुआ था, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट भी थी। हमारे लिए इस मैच में जीत बहुत जरूरी थी, लेकिन मैं उस मैच में पहले सुबह 3 बजे बीमार हो गया था और मुझे ट्रीटमेंट करवाना था, लेकिन मुझे ये मैच खेलना था। मैंने कोच से कहा कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, मैं सोने जा रहा हूँ। बता दें कि एवी डिविलियर्स ने जिस पारी को याद किया है वो उनके कैरियर की सबसे बेहतरीन पारी थी, क्योंकि उन्होंने उस दिन वनडे का सबसे तेज शतक लगाया था और ये आईपीएल की सबसे अच्छी जीत मानी जाती है और सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है, जिसका रिकॉर्ड आज कायम भी है। एवी डिविलियर्स ने उस मैच में 66 गेंदों में 17 चौके लगाए थे और 8 छक्कों की मदद से 162 रन की पारी खेली थी। एवी ने उस मैच में सबसे तेज शतक के साथ साथ सबसे तेज 150 रन की पारी भी खेली थी, यानी कि 150 रन भी जड़े थे। वहीं इनकी अपोजिट जो टीम थी मुंबई इंडियंस, ये काफी ज्यादा फीकी पड़ गई थी, जिसके कप्तान रोहित शर्मा थे। साथ ही ये जिस टीम में थे वो थी, उस टीम के जो कप्तान थे वो थे विराट कोहली। इनकी गेंदबाजी कहीं नहीं जा सकती, लेकिन हाँ इनकी जो बल्लेबाजी थी वो बेहतरीन थी। इनका जो ये रिकॉर्ड है आईपीएल का आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। साथ ही इनका ये जो डे है इसको आज भी सब लोग याद करते हैं, काफी ज्यादा इनको याद किया जाता है। साथ ही इनके उस समय पे जो खेला गया था आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। आप भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए सत्य उदय मीडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।